नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन और कल से हमारे जीवन में नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए वर्ष का उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नया वर्ष लोगों के लिए नई उम्मीदों को लेकर आता है। लोग 31 दिसंबर को ही इसके स्वागत में जुड़ जाते हैं। इस दिन पूरे वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया जाता है, पूरा वर्ष कैसे बीता इसका आकलन किया जाता है तथा इस वर्ष में रही कमियों को अगले वर्ष में पूरा करने का संकल्प लिया जाता है। 31 दिसंबर की संध्या को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धनी मानी लोग क्लब और होटलों में मौज मस्ती करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं। रेडियो और टेलीविजन पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। मध्य रात्रि को आकर्षण आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। प्रियजनों को पुष्प गुच्छ एवं उपहार दिया जाता है। जनवरी को लोग पिकनिक एवं दर्शनीय स्थानों के भ्रमण पर निकलते हैं। इस तरह नववर्ष का उत्सव हमारे अंदर नई आशाएं जागृत करता है। लेकिन 2020 हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा। हर एक व्यक्ति के जहन में यह साल रहेगा। कोरोना महामारी से हमने हमारे अपनों को खोया, जो हर किसी के दिल के बहुत ही पास थे। हम सब आज उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और तत्काल न्यूज टीम की तरफ से उनके परिवार को सम्मान भी देते हैं, जो हिम्मत जो हौसला उन्होंने दिखाया है। 2020 की सारी बुरी आदतों को पीछे छोड़कर आने वाले साल का स्वागत करते हैं। यह साल आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए बहुत ही सारी खुशियाँ लेकर आए। सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके रिश्तों में प्यार हो, विश्वास हो और भरोसा हो। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराओ, चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। तत्काल न्यूज टीम की तरफ से मैं सोनिका आपको आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।